नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर में और मैं हूं आपके साथ शिवानी पांडे। मनी लॉन्ड्रिंग केस के चलते रॉबर्ट वाड्रा लगातार चर्चाओं में बने हुए हैं। हम आपको बता दें कि रॉबर्ट वाड्रा भारत के जाने माने बिजनेसमैन में से एक हैं। अगर राजनीति जगत की बात की जाए तो रॉबर्ट वाड्रा गांधी परिवार के इकलौते दामाद और प्रियंका गांधी के पति हैं। आज हम रॉबर्ट वाड्रा के कुछ ऐसे किस्सों के बारे में आपको बताएंगे जो इससे पहले शायद आप न जानते हों। आप भी देखें रॉबर्ट वाड्रा पे हमारी खास रिपोर्ट। रॉबर्ट और प्रियंका की शादी पूरे देश के लिए एक चर्चा का विषय बन गई थी। इस शादी के कुछ सालों बाद 2001 में रॉबर्ट की बहन एक कार दुर्घटना में मर जाती हैं। इसके दो साल बाद 2003 में रॉबर्ट के भाई आत्महत्या कर लेते हैं। वर्ष 2009 में रॉबर्ट के पिता एक गेस्ट हाउस में मृत अवस्था में पाए जाते हैं। ये तीनों ही मौतों पर रहस्य आज तक बरकरार है। रॉबर्ट वाड्रा तेज कारों के साथ महंगी सुपर बाइक्स के भी शौकीन हैं। उनके पास एक से बढ़कर एक महंगी सुपर बाइक्स हैं। आपने सोशल मीडिया पर उनकी बाइक्स की झलक तो देखी ही होंगी। 90 के दशक में जब रॉबर्ट वाड्रा अपनी जिप्सी लेकर रोड्स पर निकलते थे तो रोड्स पर देखने के लिए उनको लाइन लग जाती थी। लेकिन अब वक्त बदल गया है। अब उनके पास एक से बढ़कर एक महंगी कारें हैं, जिनमें पोर्शे, लैम्बोर्गिनी, बीएमडब्ल्यू जैसी कारें शामिल हैं। रॉबर्ट वाड्रा यानी कि राहुल गांधी के जीजा जी, ये मनी लॉन्ड्रिंग के केस में काफ़ी लंबे समय से फंसे हुए हैं। आज इनसे ईडी तीसरे दिन पूछताछ कर रहा है। लंदन में जो इनके नाम से प्रॉपर्टी है जिसके बारे में पूछताछ हो रही है, वो खैर किसी और के नाम से निकली है। ये बोलने को तैयार ही नहीं कि ये प्रॉपर्टी इनकी है। चलिए इनके प्रेम कहानी के बारे में जानते हैं कि प्रियंका गांधी से इनकी शादी कैसे हुई और कैसे ये इनके प्यार के जाल में फंस गई। हालांकि ये बात है, जब ये उन दिनों 13 साल की थी प्रियंका गांधी, ये दिल्ली के एक स्कूल में साथ में इन्होंने स्कूलिंग की। 13 साल की उम्र से इन दोनों की प्रेम कहानी शुरू हुई। उस समय ये राहुल गांधी यानी कि प्रियंका गांधी के घर आया जाया भी करते थे। रॉबर्ट वाड्रा ने खुद ही हाल ही में एक मैगजीन को इंटरव्यू दिया था। उसमें इन्होंने कहा कि राहुल गांधी से इनकी अच्छी खासी दोस्ती भी हो गई थी उनके घर, और उस दोस्ती के दौरान इनका प्यार मोहब्बत इतना बढ़ गया कि 1997 में चल के इन्होंने प्रियंका गांधी से शादी कर ली। शादी के बाद इनकी जिंदगी इस तरह से पलटी कि ये 500 करोड़ नहीं, ये 15,000 करोड़ के मालिक बन गए। वैसे तो प्रियंका गांधी और रॉबर्ट वाड्रा की मुलाकात 1991 में एक निजी पार्टी के दौरान हुई थी, और जिसके बाद इनकी मुलाकातों का सिलसिला जारी हो गया और आखिरकार 18 फरवरी 1997 को ये दोनों शादी के बंधन में बंध गए। इस शादी को लेकर ना सिर्फ रॉबर्ट वाड्रा के परिवार वाले खफा थे, बल्कि कांग्रेस पार्टी के समर्थक भी रॉबर्ट वाड्रा को गांधी परिवार के लिए एक अनुपयुक्त दामाद के रूप में मानते थे। उनका कहना था ये शादी ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाएगी। लेकिन इन सभी अटकलों को खारिज करते हुए आखिरकार रॉबर्ट और प्रियंका ने अपनी शादी के 22 साल पूरे कर लिए और इन दोनों का एक बेटा और एक बेटी भी है। जहां रॉबर्ट वाड्रा एक व्यवसायिक परिवार से हैं, वहीं उनकी पत्नी प्रियंका एक हाई प्रोफाइल परिवार से हैं। दोनों के बीच जमीन और आसमान का अंतर है। 1997 में रॉबर्ट वाड्रा ने अट्रैक्स नाम की कंपनी की शुरुआत की, जिसके बाद उनका बिजनेस तेजी से बढ़ा और देखते ही देखते उन्होंने 6 और कंपनियां अपने नाम रजिस्टर करवा ली। फैशन में दिलचस्पी रखने वाले रॉबर्ट वाड्रा को 2011 में एक अंग्रेजी अखबार ने बेस्ट ड्रेस मैन के खिताब से नवाजा था। आपको बता दें कि रॉबर्ट वाड्रा डांस के भी बहुत शौकीन है। हम उम्मीद करते हैं कि रॉबर्ट वाड्रा पे हमारी खास रिपोर्ट आपको पसंद आई होगी। आपको ये वीडियो कैसा लगा ये बताने के लिए आप कमेंट सेक्शन पे कमेंट कर सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ। आज की खबर लखनऊ।